सो मेरी आवाज़ पहचान लें आप सभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज है ब्राह्मण भोज। यस, तो कैमरे के पीछे हैं, इन्हें बुलाया है मैंने और बैठे हैं एक और शख्स जो कि कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अच्छी तरह, मतलब हैपनिंग सा माहौल हो जाता है, जो है मेरे पापा। मैं भी देख रहा हूँ Yes. Yes. तो आज मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बनाया। Oh. पापड़ वापड़ सूखा सूखा दे देते हैं हमें। नहीं देखो, मैंने बनाया दाल, चावल, आलू, परवल की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, आलू के पकौड़े, परवल के पकौड़े, फिर है पापड़। आलू की वैरायटियां हैं बस ठीक है, तो मैंने लगा दी है। देखो दिखाओ, देख रहे हो, खाली खाली प्लेट, खाली खाली कटोरियां। अभी लगाई हुई हूँ, इधर डाल लेती हूँ और लगाती हूँ और बैठते हैं। पापा जी से भी मिलवा दूँ। यस गाइस, पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है, इसी वजह से मैंने शेव नहीं किया है। और आज जो ब्राह्मण भोजन है, मैं तो बताना भूल ही गई कि ये है मम्मी का, आज मैं खिला रही हूँ, कल होगा पापा का, तो मम्मी का खिला रही हूँ। और प्लीज़ उस पर कमेंट मत करना, क्योंकि बहुत आज गर्मी है और मैंने बस कोई आने वाला था नहीं, तो लोअर टी शर्ट डाल देता। हाँ तो चलो अब बैठते खाने के लिए और मिलवाते हैं। सो यहाँ पे हमारा सिंहासन लग चुका है, यहाँ पे हम खाएंगे। पापा जी आए हैं, पापा जी हेलो कर दो, आप आ रहे हैं निराक्षी चैनल पे। बोलो एक एक करके, चल मैं। हाँ देखो, ब्राह्मण को बोल दिया इन्होंने। आज क्या तो है ही ब्राह्मण। हाँ मुझे याद आ गया। पापा जी रेडी हैं यहाँ पे खाने के लिए और मैं बैठूँगा उसके बाद। यहाँ पे क्या खुसुर फुसुर चल रही है। देखो सिखाना पड़ेगा, कब तक सिखाना पड़ेगा? पूछ रहे हैं कि ओहो, पूछ रहे हैं कौन सा पान लाऊं। मैंने कहा पूरा जलता बरता पान ही, एकदम तुलसी डाल के। चलो लो अब ब्राह्मण को बैठने दो। हाँ अब मिठाई ले आती हूँ और घी डालती हूँ। यस, मार्ट में मिलता है। तो यहाँ भोज हो चुका है और मैं आराम से अब बैठी हुई हूँ। भाई और पापा दोनों ही चले गए हैं खा पी के, पान वान सब कुछ खिला दिया। और ये जो पान लेके आए थे वो सादा पानी ही था, इन्हें पान वाले ने सादा पानी दिया और एक मीठा पान दिया। तो भोज बहुत ही अच्छा रहा। बाकी खाने पीने की चीज़ें जितनी भी मैंने बनाई थी दोनों को ही बहुत अच्छी लगी। मैंने बनाया था दाल, चावल, आलू परवल की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और दो तरीके के पकौड़े, आलू के पकौड़े, परवल के पकौड़े और पापड़। दही था, बालूशाही थी और कुछ था, बेसिकली पांच आइटम्स होते हैं। यस, बाकी दही, पान, मिठाई आपकी अपनी श्रद्धा। पांच होते हैं जिसमें एक्सक्लूड होता है दाल और चावल, ऐसा शायद होता है, मुझे इतना पता नहीं। दाल चावल एक्सक्लूड होता है और दही काउंट नहीं होता, मिठाई काउंट नहीं होती। तो काउंटिंग में था आलू परवल की सब्ज़ी, आलू गोभी की, एक आलू का पकौड़ा और एक परवल का पकौड़ा और पापड़। ये पांच चीज़ें काउंटिंग में थी, बाकी सारी एक्स्ट्रास थी। ठीक है, तो यही अचार वचार दोनों में से किसी को अच्छा नहीं लगता था, चटनी दोनों में से किसी को अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने बनाया ही नहीं। वैसे ये होता है कि जिनके नाम का खिला रहे हैं आप उन्हें अच्छी लगनी चाहिए, तो ठीक है। चटनी, ओल की चटनी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मुझे वो नहीं बनानी आती। आती है, मतलब मैंने मामी और मम्मी को बनाते हुए देखा है, मामी ओल की चटनी मेरी बड़ी वाली मामी बहुत टेस्टी बनाती है, मतलब गज़ब का बनाती हैं।
भर भर के कटोरी खा सकते हो आप। तो उनसे एक बार मैंने सीखा था कि ओल को बॉईल कर लेते हैं, फिर तड़का लगा देते हैं, फिर हरी मिर्च काट के डाल देते हैं, फिर उसको रही से, लेकिन कभी खुद नहीं बनाया। और ऊपर से ये है कि ओल को छीलो काटो तो हाथ में भी लग जाता है। इस मार्केट में ओल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि वो तो नानी ले आती हैं देख के कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। बाकी मम्मी भी ओल की चटनी बहुत टेस्टी बनाती हैं जब उन्होंने ब्राह्मण भोज किया था तो यही होता है। और नींबू भी डलता है उसमें, जितना खट्टा हो उतना अच्छा लगता है। तो ठीक है, जितना मुझसे हो सका उतना मैंने बनाया, आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना। और किया कैसे, तो सबसे पहले तो मैं उठी, ठीक है, व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाता है क्योंकि ये जो पीछे हैं कैमरा के, ये जल्दी उठ के और फिर जल्दी सो जाते हैं, है ना। इनसे पूछो कि कब उठे तो कहेंगे 6 बजे, लेकिन ऐसा नहीं था उस दिन। हम दोनों ही थोड़ा लेट हो गए थे ना उठने में, क्योंकि लेट सोए थे, है ना, 7:30 हो गया था। हाँ, 7:30। सोचा था कि 6 बजे उठेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। और हमारी मेड ने भी हमें धोखा दिया था उस दिन, आई ही नहीं, कह रही आऊंगी नहीं, तो दूसरी नीचे कॉल करके बुलानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे पिछले दिन के, तो पिछले दिन के भी सुबह का भी इधर उधर हो जाता है, पानी वानी आंवला जूस ये सब ये मुझे पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। तो वो सारे बर्तन पहले उसने धोया, घर साफ़ किया, पूरा किचन साफ़ किया, उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। और खाना भी बनाने के लिए जो भी बर्तन थे सारे गंदे हो रखे थे। खाना बनाना स्टार्ट ही मैंने 9:30 किया था, 9:30 से अराउंड 11:30 या 12 बजे तक खाना ऑलमोस्ट रेडी था। पूरा बिहारी स्टाइल में बनाया था मैंने, दाल अरहर की, उसमें जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ते का तड़का, टमाटर डाल के दाल अच्छी लगती है, विदाउट टमाटर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दाल। चावल बनाया था, भात जिसे कहते हैं। एक गलती हो गई थी कि मुझे ना पतीले में बनाना नहीं आता, कुकर में बनाना आता है, तो थोड़ी स्टिकी चावल बन गए थे, तो पतीले वाला भी सीखूंगी, मुझे पता ही नहीं चलता वो पकता कब है इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ऊपर से वो माड़ पसाना मेरे हाथ पे ही लग जाए, जब कुछ नहीं होता इतना सा खाना बनाना पड़ता है तो देखो कहाँ कहाँ जल जाता है मुझे, यहाँ कुछ ना कुछ हाथ पे जल ही जाता है, तो अवॉइड करती हूँ मैं। फिर दाल सबसे पहले मैंने बनाया था आलू गोभी, आलू परवल, आलू गोभी दोनों सब्जी अलग अलग उस पर इकट्ठे बना रही थी मैं। उसके बाद फिर मैंने दाल बनाया था, चावल बनाया था, लास्ट में पकौड़े का बैटर में उसको सोक करके रख दिया वेजिटेबल्स, ताकि वो थोड़े मैरिनेट हो जाए और टेस्टी लगे, वो बनाया था। तो ऑलमोस्ट बन गया था, मतलब अब मैं ब्राह्मण भोजन आराम से खिला सकती हूँ, तो एक्सपीरियंस अच्छा था आज का। तो बस यही था, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मैंने सारा एक्सपीरियंस शेयर किया आप सभी के साथ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या लगा। और पापा आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पापा यूजुअली बिजी रहते हैं तो आ नहीं पाते, तो चकोरी आता है बस, पर स्टिल पापा आए अपना टाइम निकाल के, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इन्हें भी मतलब काफ़ी अच्छा था इन्वायरमेंट आज का, बाकी चले गए तो थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है, तो फिर से बुला लेंगे, है ना, और एक और धमाकेदार व्लॉग के साथ एंट्री लेंगे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये बड़े ही मामी के नाम से मुझे याद आया, वो चोरचंद वाले दिन दाल की पूड़ियां थी वो, हाँ? वो अभी तक बनी नहीं घर पे। अगले दिन मामी ने ना मुझे थोड़ा सा मसाला पैक करके दिया था, तो मैंने पराठे नहीं खिलाए थे आपको, नहीं पूड़ियों की बात कर रहा हूँ, दाल वाली पूड़ियाँ कब बनी। दाल वाली पूड़ी बहुत मेहनत होती है, आप सभी को पता है ना, वो दाल चने की दाल को पहले तो सोक करो, फिर उसे हल्का एक सीटी आने से पहले ही उतार दो ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, फिर उसे फ्राई करो जीरा और लाल मिर्च से, फिर वो ठंडी हो जाए उसको ग्राइंड करो, पाउडर बनाओ, उसके बाद आटे में मोइन डाल के उसको गूंदो। आटा परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला ना टाइट, ना ही पूड़ी वाला आटा, ताकि वो फटे ना, उसमें फिल करो, बेलो, फिर उसको छानो। तो कब बनेगा ये फिर? ये हम मामी से मिलने चलेंगे, बताते खा लेंगे सुनती हो ना मामी, फिर से बना लेना हम जाएंगे ना, बस एक बार कहना है कि मामी बना दो, हमारी मामी इतनी अच्छी है कि बना देंगी, सिखा देना। इवन मम्मी को कहोगे तो मम्मी बना देंगी,
उसमें क्या है? हाँ तो उनको बोलो सिखा, जरूरी थोड़ी नहीं कि मैं ही बनाऊं, कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए स्पेशल, लोगों के स्पेशल हाथ सिखाने के लिए, सिखा देना के लिए बोलूंगा अभी। हाँ आता है मुझे, क्या नहीं आता मुझे, ट्राई करके देखना एक बार। हाँ बना लूंगी, लेकिन कभी मैंने बनाया नहीं। एक्चुअली शादी से पहले तो कोई मुझे तेल का काम करने ही नहीं देता था, इवन नॉर्मल पूड़ियाँ भी रेयरली मुझसे छनवाते थे, तेल का काम जैसे होता था किचन में मुझे हटा दिया जाता था, तो मैंने कभी ऐसी पूड़ियाँ बनाना नहीं सीखा। और मामी से सीखती, बड़े मामा किचन में नहीं जाना, किचन से चलो, किचन में क्यों करने, क्या करने गए हो किचन से चलो, तो क्या ही सीखती मैं, ट्राई करके देखो। हाँ ट्राई कर लेती हूँ, आप क्या हेल्प कराओगे मेरी? मैं क्वेश्चन मुद्दे पे आते हैं, मशीन में आटा गूंदने, मतलब हमने एक डील की, मशीन में आटा गूंदूंगा, देख लिया आप सभी ने, हमने एक डील की थी मंडे टू फ्राइडे मैं चाय बनाऊंगी, सैटरडे संडे मेरे लिए चाय, तो ये ब्लॉग के ही खत्म करते हैं हम। नहीं इन्होंने सैटरडे संडे चाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सुन लो आप सभी, तब तक के लिए बाय कर दो सबको।